Question number 1, part 2, 5x square plus 8x plus 1 is equal to 0. Question को solve करना है हमने quadratic formula के जरिए. Standard form हमारे पास quadratic equation की होती है ax square plus bx plus c is equal to 0. x square का coefficient a है, x square का coefficient हमारे पास 5 है, it's mean a की value 5 है. x का coefficient b है, तो यहाँ पर x का coefficient 8 है, तो b की value 8. कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट वैल्यू 1, तो c इज इक्वल टू 1. a b c की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, फार्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ए बी सी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 8 प्लस माइनस b स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 4 5 जा 20, 21 जा 20, 2 5 जा 10. x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 44 डिवाइडेड बाय 10. x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 44 के फैक्टर बना लेते हैं. 44 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 1s are 11. 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 10. x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 11 स्क्वेयर रूट में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 10. x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, 2 4 जा 8 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5. तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा माइनस 4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5.